नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं। मैं चाहता हूं हमारी दृष्टि उभयमुखी बने, हमारी दृष्टि दहलीज पर रहे, बाहर भी देख सके और भीतर भी देख सके। एक न्याय होता है घंटा लाला न्याय, देहली दीप न्याय, जो झंकार हो इधर भी जाए उधर भी जाए सब ओर फैले, दिया ऐसा रखा जाए कि बाहर भी प्रकाश करे भीतर भी प्रकाश करे। हमें ऐसी अंतर्दृष्टि ध्यान के द्वारा प्रेक्षा के द्वारा उपलब्ध हो, हम आंतरिक चेतना को भी देख सकें और व्यवहार में लिप्त चेतना को भी जान सकें, व्यवहार की प्रकृति को भी जान सकें और आत्मा की अपनी मूल प्रकृति को भी जान सकें। अगर यह ज्ञान हमारा स्पष्ट होता है तो आराधना का यह सत्य हमारे सामने बिल्कुल अनावृत हो जाएगा। आदमी अपने छोटे से छोटे दुष्कृत की निंदा करे और अपने छोटे से छोटे सुकृत का अनुमोदन करे। कोरी निंदा नहीं, कोरी निंदा करने से हीन भावना आती है और कोरी समर्थन की बात करने से अहंकार जागता है। आचार्य श्री बहुत बार कहा करते हैं कि मुझे प्रशंसा भी बहुत मिली है और निंदा भी बहुत मिली है, दोनों को मैं संतुलन का हित मानता हूं। कोरी प्रशंसा मिलती तो अहंकार आने की संभावना थी और कोरी निंदा मिलती तो हीन भावना आने की संभावना थी, किंतु निंदा और प्रशंसा इन दोनों का संतुलन होता है तो न तो अहंकार उभरता और न हीन भावना जागती। हम इस चेतना में जाएं और इस आग्रह मुक्ति का पाठ पढ़ें, हमारी चेतना में एक नया उन्मेष आए, अपने दुष्कृत का हम अपने दुष्कृत का चाहे छोटा हो बड़ा हो अवमान कर सके और अपने सुकृत का चाहे छोटा हो बड़ा हो समर्थन कर सके। यह दृष्टि जब जाग जाती है तो फिर क्षीर नीर विवेक हमारा जागता है कि दूध का दूध और पानी का पानी, फिर चाहे कोई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नींबू का सब चाहे किसी भी घर का हो दूध में डाला जाए पानी अलग हो जाएगा और दूध अलग हो जाएगा, हंस की चोंच किसी भी दूध में पड़े दूध अलग और पानी अलग हो जाएगा, मछली भी दूध और पानी को अलग कर सकती है, यानी अम्लता कोई भी हो उसमें यह भेद नहीं होता कि किसका दूध है, यह कोई अंतर नहीं होता। जहां अम्लता का प्रयोग हुआ दूध दूध हो जाएगा और पानी पानी हो जाएगा। एक सावधानी की जरूरत है कि इसमें दुष्कृत की निंदा और सुकृत की अनुमोदना में उसके पीछे रही हुई आराधना की चेतना को हम न भूलें। यह सब हम आराधना के लिए कर रहे हैं, वह आराधना जो कि मृत्यु की आराधना है, वह आराधना जो कि जीवन की आराधना है और समूचे जीवन का लेखा जोखा है, वह आराधना की ज्योति वह चेतना व्यक्ति व्यक्ति के मन में जागे। और जयाचार्य ने अपनी कृति के माध्यम से जो सूत्र हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं उनके हृदय तक हम पहुंच सके और अपने आप को धन्य बनाए।
ये दो घोड़ों पर पांव रखने की बात भी हमारी भेद बुद्धि की बात। प्रश्न है कि व्यवहार चेतना को भी देख सके और अंतर चेतना को भी देख सके, क्या यह दो घोड़ों पर पैर रखने जैसी बात नहीं है? बिल्कुल है, किंतु मैं मानता हूं इसलिए है कि हमारी भेद बुद्धि प्रबल है। हम पहले तो घोड़ा बनाते हैं, उस पर फिर चढ़ते हैं और तब दो घोड़ों पर पांव रखने की बात आती है। घोड़ा बनाए ही क्यों? कठिनाई तो यही है कि घोड़ा बनाए ही क्यों? क्या घोड़ा आदमी के चढ़ने के लिए बना है? घोड़ा तो बेचारा जंगल में घूमता था, आदमी गया और घोड़ा भी साथ साथ में चल रहा था, आदमी भी चल रहा था, पर ऊपर चढ़ने वाली बात नहीं थी, घोड़ा स्वतंत्र था। आदमी ने कहा कि भाई एक कठिनाई है, मुसीबत है कि मुझे जाना है जल्दी, तुम मेरा सहयोग करो, भार मेरे पास बहुत हो गया, तुम मेरा सहयोग करो और तुम्हारी पीठ मुझे दो। घोड़े ने कहा काम तो तुम्हारा कर देता हूं, पर सदा ऐसा मत करना। ने कहा नहीं, कब करूंगा, पीठ दे दी, चढ़ गया, भार रख दिया, गांव पर जल्दी पहुंच गया गांव में, और ऐसा लगा अरे फालतू ही इतने दिन भार ढोया, जब घोड़ा है और इतना तेज चलता है तो फिर यह भार सिर पर गठर क्यों लादा जाए। ऐसा एक अनुभव हुआ कि पीठ को कभी छोड़ा भी नहीं। हम पहले घोड़े की पीठ पर चढ़ते हैं कोई लालच देकर, भुलावा देकर, और फिर उसे छोड़ना नहीं चाहते, तब ये दो घोड़ों पर पाव रखने की बात आती है। हम इस सच्चाई को मान कर चलें, आदमी के पैर चलने के लिए है, घोड़े पर चढ़ने के लिए नहीं है। समस्याओं से निपटना चाहते तो हमें ऐसा करना ही होगा कि हम शरीर में जीते तो शरीर की समस्याओं से निपटना होगा, और हम चेतना हैं इसलिए चेतना की समस्याओं से निपटना होगा। अगर दो घोड़ों पर चढ़ने की बात आपको अटपटी लगती है तो फिर ऐसे ही आदमियों का निर्माण करें कि या तो शरीर हो या मन हो, ये दो हो ही नहीं तो अपने आप समस्या का समाधान हो जाएगा। और जब दो हैं तो फिर दो घोड़ों पर चढ़ने की बात नहीं, दोनों का अपना अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व। तो प्रश्न है कि जो भी करते हैं उसी समझकर करते हैं, फिर उसकी उसे दुष्कृत मानकर उसकी निंदा करना कहां तक उचित है? व्याचार्य ने यह नहीं कहा कि उचित मानते हो उसकी निंदा कर, उन्होंने तो यही कहा कि जब तुम्हें लग जाए कि यह दुष्कृत है तो उसकी निंदा कर, जब तक अच्छा मानते हो तब तक करते जाओ, मजे से करते जाओ, कोई निंदा करने तब तक समर्थन करो जी भर कर, किंतु जब यह बात समझ में आ जाए वास्तव में यह तो बीमारी है। कोई भी आदमी जब तक नहीं समझ पाता कि यह बीमारी है तब तक उसकी कोई दवा नहीं करता, चिकित्सा नहीं करता। जब समझ में आ जाए कि यह बीमारी है तब उसकी चिकित्सा शुरू करता है। यह तो समझ लेने के बाद की बात है, पहले की बात नहीं।